everyone, welcome back to my channel. My name is Apoorva and thank you so much इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए. अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल. मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में. अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने में आपकी बेहद हेल्प करेगा. ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो हमेशा काम करती है मेरे लिए एंड आई एम श्योर ये आपके लिए भी हमेशा काम करेगी. बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, कोई टोटका करते हैं या फिर कोई भी रेमेडी करते हैं, प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड अपने माइंड को शांत करके उस चीज़ पे फोकस करें, अपने इंटेंशन पे फोकस करना शुरू करें. मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप एनर्जी नहीं पुट करोगे, आप इंटेंशंस नहीं डालोगे चीज़ में, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चीज़ अच्छे से आपके लिए काम करे. बेसिकली हम अपने थॉट्स के थ्रू, थॉट्स की एनर्जी के थ्रू हम किसी चीज़ में जान डालते हैं, इंटेंशन डालते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. हर एक चीज़ एनर्जी का खेल है. आप चाहे उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दें, कुछ भी बोलें, हर एक चीज़ एनर्जी है और हम लोग एनर्जी पे ही काम करते हैं. ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज की टेक्निक के बारे में. आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप उसे इस तरीके से हील कर सकते हैं. ठीक है, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं मतलब दिस इज़ नॉट अ वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन ग्रीन तारा माँ, बट ट्रस्ट मी, अगर आप उनके साथ अच्छे से काम करते हो, रेगुलरली आप कंटिन्यूसली उनके साथ काम करते हो, तो ट्रस्ट में आप एक बॉन्ड क्रिएट कर लोगे उनके साथ में. एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो. कोई भी, मतलब कोई भी जॉब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब के इश्यूज़ हैं उसे सॉल्व करना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, एग्ज़ाम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, आप उसके लिए इसे कर सकते हो. आप ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लव लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप लव के इश्यूज़ को ठीक करना चाहते हो, आपके फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हो, इन दैट केस आप इस मंत्र का यूज़ कर सकते हो. थर्ड पार्टी के इश्यूज़ हैं, इन थर्ड पार्टी केस मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, अगर आप गलत नहीं हो इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा. ठीक है, बेसिकली जस्टिस वाला कार्ड इफ़ यू नो इन टैरो, आप वही समझ लीजिए, जस्टिस होगा. अगर आप सही हैं तो आपके साथ जस्टिस होगा, अगर आप गलत हो तो फिर वैसा ही होगा, मतलब जस्टिस होगा. तो ये चीज़ आप समझ जाएं थर्ड पार्टी केस में. अगर आप लाइफ में यू नो लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैरिज को ठीक करना चाहते हो, मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब बहुत कुछ कर लिया, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आप लॉन्ग टर्म इस मंत्र, जो माँ का मंत्र है, ओम तारे तूरे सोहा, आप इस मंत्र को चैंट करते हो, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. अगर इफ़ यू आर समवन जो चैंट नहीं कर सकता है, आप प्लीज़ सुनना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे, सोने से पहले सुबह उठते ही सुनना स्टार्ट कर दो, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. मैं इतनी श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है. अगर आप इसे यू नो दिल से करते हो, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो, कोई ऐसे आपके लाइफ के इश्यूज नहीं है जो इस मंत्र से ठीक ना हो सके. वीजा का इशू है, वीजा नहीं हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इश्यूज है, लोन क्लियर नहीं हो रहा है, एनी सिंगल थिंग, आप प्लीज करते रहो, करते रहो. ठीक है, एंड एक चीज़ बोलूँगी, कभी कभी चीज़ें टाइम ले सकती हैं, किसी किसी की कंडीशन में ब्लॉकेजेस होते हैं, राइट, तो आप इसको स्पेशली मंत्र चैंटिंग को आप रेगुलर करो. ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम आज की टेक्निक के बारे में. जैसे कि मैंने कहा है कि आप इसे किसी भी सिचुएशन के लिए कर सकते हो, बट ये टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है, ये टेक्निक बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज ये मुझे मेरी मैम ने दी है एंड इट्स अमेजिंग, इट्स टोटली अमेजिंग. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक लेटर लिखना है ग्रीन तारा माँ को. आपने क्या करना है, नॉर्मल एक पेपर लेना है, ठीक है, उस पर आपने ग्रीन पेन हो तो आपके पास बेटर है, वर्क विद ग्रीन कलर इन दिस सिनेरियो. अगर आपके पास नहीं है, देन गेट वन बाय वन फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम स्टेशनरी. ठीक है, डियर ग्रीन तारा माँ, आई एम सो लकी एंड हैप्पी टू हैव यू. थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी चीज़ें देने के लिए. सी बेसिकली हम लोग जैसे एक फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, वैसे ही आपने की लेटर लिखना है. ठीक है, आप ऐसे से लिखें, सपोज करें कि मेरा एक एग्ज़ाम था, वो बहुत डिफिकल्ट था, वो क्लियर हो गया. आपने ग्रीन तारा माँ को एक थैंक यू लेटर लिखना है एंड आपने उस लेटर में ऐसे प्रटेंड करना है जैसे कि आपका काम ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी इट इज़ डन. ठीक है, एंड आप यू नो एक ग्रैटिट्यूड में ग्रीन तारा माँ को थैंक यू बोल रहे हो. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने हर एक चीज़ को डिटेल में लिखना है, डिटेलिंग लिखनी है कि मैंने ऐसे सुबह उठा, मुझे ऐसे कॉल आई मेरे फ्रेंड की एंड हमने रिजल्ट चेक किया एंड दिस वाज इट, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज थैंकिंग यू ग्रीन तारा माँ, थैंक यू सो मच. मतलब उस तरीके से यू कैन बी क्रिएटिव एंड कोई ऐसा स्पेसिफिक, मतलब कोई स्टोरी लाइन नहीं है,
आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो आप हो जाओ, ठीक है, बट बी स्पेसिफिक. जब हम स्पेसिफिक होते हैं तो हमारे इमोशंस जो निकल के आते हैं, तो हमें वही चीज़ चाहिए यहाँ पे, राइट. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पूरी डिटेलिंग कर देंगे. एंड में आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है और साइन कर देने हैं, अपने साइन कर देने हैं, पूरे साइन कर देने हैं कि येस इट इज़ डन. अपना स्टैम्प लगा देना है अपने साइन से, दैट्स इट. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जब आप ये लिख लेंगे, आपने 3 बार इसको बोल बोल के पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, ठीक है, कि जो भी आपने लिखा है उसको पढ़ें. अगर आप यू नो, आपका पॉसिबल नहीं है कि आप यू नो तेज तेज नहीं पढ़ सकते हो, आपने क्या करना है, अपने मन में, अपने माइंड में पढ़ना है इसको, ठीक है. अब जब आपका ये 3 बार आप इसे बोल लेंगे, आपने क्या करना है, 108 बार ग्रीन तारा माँ का चैंट करना है, ठीक है, 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है. इसको पेपर को अपने पिलो के नीचे रख देना है, ठीक है. सेकेंड डे आएगा, अगर आप सुबह ऑफिस जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, आप इसे अपने वॉलेट में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, अपने लैपटॉप बैग में रख लीजिए, जो भी आपके पास है, मतलब ये आपके पास रहे, अपने पास सेफ्टी से रख लीजिए. जब नेक्स्ट डे होगा, मतलब रात आएगी, जब नेक्स्ट सेकेंड नाइट आएगी, आपने क्या करना है, इसको फिर से 3 बार पढ़ना है, 108 टाइम्स आपने चैंटिंग करनी है, एंड देन अगेन इस पर सो जाना है, एंड देन अगेन इसको अपने पास रखना है, ठीक है. ऐसा ये जो साइकिल है, मतलब ये जो चीज़ है, ये चलेगी 21 डेज तक. 21 डेज होने के बाद 22nd डे को आपने इसको बर्न कर देना है, ठीक है. बर्न करते करते यू जस्ट हैव टू फील गुड कि लाइक नाउ इट इज़ डन, मेरा काम हो चुका है. मतलब आप अपने माइंड में वो श्योरिटी रखें, अब ये होगा ही होगा, डाउट नहीं रखना है कि लाइक लेट्स सी होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, वो चीज़ नहीं करनी है. फिर आप यू नो आप क्लैशेस कर रहे हो एनर्जीज के साथ में, तो फिर वो काम नहीं करेगा. तो यू हैव टू बी लाइक यू लाइक हम श्योर, सपोज करें हम कुछ काम करते हैं, हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं यूनिवर्स में, तो हम यू नो वी आर श्योर कि अगर मैं यू नो अमेजोन से ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, ये तो आ ही जाना है, ये आ ही जाना है. लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू कीप इन यू एंड डू इट. ट्रस्ट मी, बहुत मैजिकली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है. अगर आपका सवाल ये है कि अगर हमारा यू नो ये बहुत जल्दी काम करेगा, इनफैक्ट ये अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है कि अगर हमारा जो काम है वो ऑलरेडी पहले ही हो गया 21 डेज से, तो जैसे ही आपका काम होता है आप इसे बर्न कर दीजिए, इसकी एशेस को आप रिस्पेक्टफुली कहीं पे नहर में, पानी में बहा दीजिए, पेड़ के नीचे रख दीजिए, गाड़ दीजिए, या फिर उसे हवा में ब्लो कर दीजिए थैंक यू के साथ में. बट मेक श्योर कि यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग. बहुत पावरफुल टेक्निक है एंड बहुत अच्छे से काम करेगी, बट ऑब्वियसली आप जितना कनेक्टेड फील करोगे माँ ग्रीन तारा से, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है. अगर आप ये टेक्निक नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्ट चैंटिंग हर मंत्रा, जस्ट लिसनिंग, सुनने से ही इनका मंत्रा काम करता है. एंड शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ लव, ठीक है. एनर्जीज जो है वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार होती हैं, बस आपने अप्रोच करना होता है, ठीक है. एंड आपका जो अप्रोच है वो सही तरीके का होना चाहिए. प्लीज़ एक्शंस भी लीजिए, एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी है. आपने एक चीज़ समझनी है, यू हैव टू टेक एक्शंस, एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी है. आपको सपोज आपके माइंड में कोई आइडिया आ गया नया, सपोज आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एकदम से बिजनेस आइडिया आया, आपको एकदम से नए नए आइडियाज़ आने स्टार्ट हो गए, क्लूज मिलने स्टार्ट हो गए, लोगों का यू नो कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए लाइक एनर्जीज में, आपको यू नो कहीं ना कहीं से चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई, आपको एड्स दिखने स्टार्ट हो गए यूट्यूब पे कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये सब चीज़ें, इट्स अ साइन. जस्ट अपना यू नो देखो कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, एंड ट्रस्ट मी चीज़ें काम करती हैं. मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ कि आप यू नो कुछ काम मत करो, बस यही सब करके बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं है. ये आपके लक को यू नो स्ट्रेंथन करते हैं. एक्शंस तो आपने लेने होंगे ना अपनी तरफ से. सो यप, ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आप अपनी लाइफ में सो यप आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.